नमस्कार मित्रों, जय सियाराम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के मेरे वीडियो का विषय है ग्रहों की अशुभता से होने वाले अरिष्ट और उनके निवारण। मित्रों, ये विषय बहुत बृहत है, ये एक वीडियो में तो पूरा नहीं हो सकता। मैंने इससे पहले भी कई वीडियोस उपायों के ऊपर प्रेषित किए हैं और आगे भी करता रहूँगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग संक्षिप्त चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सूर्य से। सूर्य हमारे जीवन के आधार हैं, सूर्य पिता हैं, सूर्य प्रत्यक्ष देव हैं जिन्हें हम प्रतिदिन देखते हैं। सूर्य ऊर्जा के स्रोत हैं, राज कृपा देते हैं। सूर्य की अशुभता से हृदय रोग, नेत्र रोग, पित्त विकार, उदर विकार, धन नाश, ऋण, अपयश, झूठे अभियोग लगते हैं जब सूर्य खराब होता है। सूर्य के दोष निवारण के लिए सूर्य की पूजा करें, नियमित अर्घ प्रदान करें, हरिवंश पुराण का पाठ करें, आदित्य हृदय स्त्रोत पढ़ें और श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए। गेहूं, गुड़ और तांबे का दान भी करें। बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा की अशुभता से मानसिक विकार, चिंता, मानसिक दुर्बलता, धन और सुख में कमी। चंद्रमा जब खराब होता है तो धन और सुख में निश्चित रूप से कमी हो जाती है। चंद्रमा जब अच्छा नहीं होता है, अशुभ होता है, तो फेफड़ों के रोग होते हैं, माता जी की बीमारी होती है, धन की कमी होती है। चंद्रमा के दोष निवारण के लिए कुल देवी या कुल देवता की आराधना, उनकी पूजा करनी चाहिए। नमः शिवाय मंत्र से शिव जी की उपासना करें, रुद्राभिषेक करें, महामृत्युंजय का जप करें, चावल, दूध, चांदी आदि का दान करें और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ जरूर प्रदान किया करें। बात मंगल की। मंगल भूमि पुत्र हैं, रक्त के कारक हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं, भाई के कारक हैं, साहस और निडरता देते हैं। मंगल की अशुभता से रक्त संबंधी विकार होते हैं, जिगर के रोग होते हैं, ओंठ फटते हैं। मंगल के दोष निवारण के लिए श्री हनुमान जी की पूजा करें, उपासना करें, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, गायत्री मंत्र का भी जप कर सकते हैं। श्री हनुमान जी के मंदिर में बेसन के लड्डू चढ़ाएं और बांटें। तांबा, मसूर की दाल, गुड़, लाल मूंगा आदि आप दान कर सकते हैं और किसी अच्छे ज्योतिषी से पूछकर इसे धारण भी कर सकते हैं। और अब बात बुध की। बुध की अशुभता से वाणी के दोष होते हैं, बुद्धि भ्रम होता है, चर्म से जुड़े रोग भी होते हैं, व्यापार में हानि होती है, विद्या में रुकावटें बहुत आती हैं, व्यक्ति की सूंघने की शक्ति भी कम हो जाती है। बुध जब खराब होते हैं तो त्वचा के विकार निश्चित रूप से होंगे, स्नायु रोग भी होते हैं। और बुध के दोष निवारण के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, साबुत मूंग की दाल दान करें, माँ सरस्वती व श्री गणेश जी की आराधना अवश्य करें। बुध की अशुभता दूर करने के लिए तुलसी भी लगाएं और किन्नरों को बुधवार को हरे रंग की चूड़ियां भी अवश्य दान करें। बात गुरु की। गुरु की अशुभता से संतान की हानि होती है एवं गले में खराबी रहती है। गुरु की जब अशुभता होती है तो शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति में रुकावटें भी खूब आती हैं, विवाह में दिक्कतें आती हैं और समाज में सम्मान प्राप्त नहीं होता। तो गुरु की अशुभता को कैसे दूर करें, तो इसके लिए गुरुजनों, साधु संतों का सदैव सम्मान करें। केले और पीपल के नीचे देशी घी का दीपक जलाना शुरू करें, माथे पे केसर का तिलक भी लगाया करें, हरिवंश पुराण का भी पाठ कर सकते हैं, श्री ब्रह्मा जी की उपासना अवश्य करनी चाहिए, चने की दाल और सोना भी दान कर सकते हैं। और बात अब शुक्र की। शुक्र की
अशुभता से निर्धनता भौतिक सुखों में कमी आती है। गुर्दा रोग, जलोदर, गुप्त रोग आदि होते हैं। शुक्र की अशुभता से खुशी नहीं मिलती। शुक्र प्रसन्नता और प्रेम का भी कारक है, तो इसमें कमी हो जाती है। और शुक्र के दोष निवारण के लिए माता लक्ष्मी की पूजा उपासना अवश्य करनी चाहिए। समाज के ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरतें पूरी करें, श्री सूक्त का पाठ करें और बहनों की मदद करें, उन्हें कुछ ना कुछ दान शुक्रवार को अवश्य दिया करें। घी, दही, कपूर आदि का भी दान आप कर सकते हैं। और अब बात शनि की। शनि की अशुभता से अग्निकांड, दुर्घटना, स्नायु विकार, नर्वस सिस्टम, पैरों के रोग, घुटनों में दर्द आदि ये होते हैं। और शनि मित्रों जब अशुभ होता है तो जीवन में दुख ही दुख होता है। शनि के दोष निवारण के लिए भैरव जी की उपासना करें, शनि देव की उपासना करें। लोहा या काले उड़द की दाल शनिवार को दान करें। काला कपड़ा, सरसों तेल भी आप दान कर सकते हैं। और अब बात राहु की। राहु की अशुभता से सिर पर चोट लगती है, एक्सीडेंट का भय रहता है, राज कोप का भी शिकार होना पड़ता है, मानसिक रोग एवं क्षय रोग की भी संभावनाएं बड़ी प्रबल होती हैं। और राहु के दोष निवारण के लिए माँ सरस्वती की पूजा अत्यंत फलदायी है। ऐसे लोग जिनका राहु अशुभ है तो वे कन्यादान अवश्य किया करें। बेटी की शादी के लिए गरीब माता पिता की मदद करें, सतनजा का भी दान करें। और अंत में बात केतु की। केतु की अशुभता से भी एक्सीडेंट का भय रहता है, विश्वासघात का सामना करना पड़ता है। जब केतु अशुभ होते हैं तो मूत्र विकार की संभावनाएं बड़ी प्रबल हो जाती हैं और संतान के ऊपर भी संकट आते हैं, विशेषकर पुत्र से बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है। केतु के दोष निवारण के लिए श्री गणेश जी की पूजा उपासना अत्यंत फलदायी होती है। कपिला गाय का दान करें। केतु जब खराब होते हैं तो गुप्त रोग की भी संभावनाएं बड़ी प्रबल होती हैं। ऐसी स्थिति में सफ़ेद काला कंबल भी दान कर सकते हैं और कुत्तों को फीड करना आप शुरू कर दें, इससे केतु की अशुभता कम होती है। तो मित्रों, इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सियाराम, नमस्कार।